हेलो व्यूअर्स, अक्सर आप जब भी किसी भी हेल्थ इश्यू के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वो सबसे पहले आपका नब्ज यानी हाथों की ये बीट्स चेक करते हैं, क्योंकि ये हाथों की पल्सेस चेक करना उनके लिए सबसे फर्स्ट इंडिकेशन होता है आपके स्वस्थ या फिर बीमार होने का। और ये मेडिकल इंडस्ट्री की एक ऐसी बेसिक टेक्निक है जो आप घर पे भी खुद से ही चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आप किस प्रकार से घर पे ही अपने हाथों की पल्स चेक कर सकते हैं। और ऐसे भी कई सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसमें हाथों की पल्स रीडिंग में नहीं आती है, तो ऐसे कंडीशन में आप बॉडी की कौन सी दूसरे पार्ट की पल्स चेक कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस टॉपिक के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। तो इस चीज को आप में से ज्यादा लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप किसी बीमारी को लेकर अपने डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपकी हाथों की नब्ज यानी पल्स चेक करते हैं। वैसे तो मेडिकल इंडस्ट्री में पल्स को चेक करने के लिए और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन सबसे रिलायबल मैनुअली हाथों से पल्स को चेक करना माना जाता है। तो किसी भी पेशेंट की अगर आप पल्स चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस थंब के एग्जैक्टली नीचे अपने हाथों की तीन उंगली को फिक्स कर लें, और फिक्स करने के बाद आप इस थंब के ठीक निचले पोर्शन में आपको कुछ बीट्स नजर पड़ेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि इस पोर्शन में आपको अपने तीनों उंगली को फिक्स करना है और फिर आपको हल्की बीट्स नजर पड़ेगी, उसको काउंट करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस बीट्स की रेट से आप ये कैसे एग्जामिन कर सकते हैं कि ये बीट नॉर्मल है या फिर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि एक नॉर्मल इंसान की पल्स रेट होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो इसके लिए सबसे रिलायबल टेक्निक है कि आप किसी भी पेशेंट की सबसे पहले उसकी पल्स रेट 1 मिनट तक एग्जामिन करें और उसके बाद उसे आप किसी डायरी में नोट कर लें, और ऐसा ही आप पूरे 24 घंटे में 3 से 4 बार अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे कर सकते हैं। और फिर आप ये चेक करने की कोशिश करें कि उनका ये पल्स रेट 100 से ज्यादा है या फिर 60 से कम है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की पल्स रेट 50 से कम या फिर 100 से ज्यादा, और कई सारे पेशेंट्स में किसी किसी सिचुएशन में 150 बिट्स तक भी देखने को मिलते हैं, तो ये सिचुएशन पेशेंट के लिए सीवर कंडीशन हो सकता है, और ऐसे में आपको पेशेंट को किसी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत होती है। ऐसे कंडीशन में आप पेशेंट को सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, डायरेक्ट उसे किसी डॉक्टर के पास या पास के हॉस्पिटल में ले जाएं। वैसे कुछ केसेस में ये पल्स रेट 60 से कम भी देखने को मिलता है, जैसे कोई एथलीट हो या कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज करता हो उसमें ये पल्स रेट 60 से कम भी रीडिंग में आती है, और कई बार ये 100 से ऊपर, जैसे वो बहुत तेजी से दौड़ कर आया हो, अगर कोई इंसान फीवर में हो या फिर बहुत टेंस्ड हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये पल्स रेट 100 से ऊपर भी एग्जामिन होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि ये पल्स रेट पेशेंट की बिल्कुल भी एग्जामिन नहीं होती, यानी जब आप ये पल्स रेट फील करने की कोशिश करेंगे तो आपको हाथों में किसी भी प्रकार की बीट्स महसूस नहीं होगी, और ऐसा तब होता है जब पेशेंट का बीपी काफी लो हो जाए। ऐसे कंडीशन में कई बार पेशेंट बेहोशी की हालत में भी होता है और उसके घर वाले काफी घबरा जाते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में और भी कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां से आप ये पल्स रेट चेक कर सकते हैं। तो पल्स रेट चेक करने का दूसरा तरीका है कि आप इस कान के नीचे गर्दन के पास चेक कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में इसे कैरेटेड पल्स कहा जाता है और ये सबसे रिलायबल भी माना जाता है। इसके लिए आप इस ठीक कान के नीचे और अपने फेस के इस कॉर्नर में 3 उंगली को फिक्स करें, और फिर आपको एक बीट महसूस होगी, उसे फील करने की कोशिश करें। आप ये काउंट करें कि 1 मिनट में कितनी बीट्स आपको महसूस होती है। कैरेटेड पल्स को काउंट करने के दौरान एक चीज और ध्यान में रखनी होती है कि आपको हर बीट्स रेगुलर महसूस हो रही है या इरेगुलर। तो अब काफी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो आपकी ये हाथों की पल्स रेट या फिर ये कैरेटेड पल्स 1 मिनट के लिए चेक नहीं करते हैं, तो फिर कैसे उनको मालूम पड़ता होगा? तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर्स इस मामले में एक्सपर्ट होते हैं, वो इसलिए 10 to 15 मिनट्स ही इस पल्स को एग्जामिन करते हैं,
और एग्जामिन करने के बाद वो इसकी एक मिनट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन एज अ बिगनर आपसे मैं बताना चाहूंगा कि आप इनिशियल स्टेज में प्रॉपर एक मिनट की टेस्टिंग जरूर करें। लेकिन कैरेटेड पल्स को चेक करने के दौरान अगर आपको यहाँ भी बिट्स महसूस नहीं हो रही है तो ये सिचुएशन गंभीर हो सकती है। ऐसे में आप बिल्कुल भी देरी ना करें और पेशेंट को सीधा अपने हेल्थ एक्सपर्ट या डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं। हालांकि शरीर में और कई सारे अंग होते हैं जहां से कि आप पल्स को चेक कर सकते हैं। एक और ऑर्गन होता है ये ट्रैगस, और इस ट्रैगस के आगे भी आप पल्स चेक कर सकते हैं। इसको टेम्पोरल पल्स बोलते हैं। कई बार डॉक्टर्स बेली पोर्शन के नीचे भी पल्स चेक करते हैं और कई बार पेशेंट को एंकल में भी पल्स चेक किया जाता है। हालांकि मेडिकल फील्ड में हाथों की पल्स चेक करने के बाद सबसे रिलायबल जो मानी जाती है वो है कैरेटेड पल्स। अब आप में से कुछ पेशेंट सोच रहे होंगे कि क्या पल्स चेक करके बीमारी का पता लगाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि आज के समय में काफी सारे डॉक्टर्स सिर्फ हाथों की पल्स चेक करके ही उनके शरीर की टोटल हेल्थ इश्यूज को बताने का दावा भी करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मेडिकल इंडस्ट्री में या फिर आयुर्वेदा में भी इसको लेकर कुछ ऑथेंटिक और रिलायबल मेथड्स नहीं बताई गई है। लेकिन अगर कोई हेल्थ एक्सपर्ट, डॉक्टर्स या आयुर्वेदा कंसल्टेंट ऐसा बताने की दावा करते हैं तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन अगर फिर भी पल्स रीडिंग को लेकर आपके मन में कोई डाउट्स हो, कोई सवाल हो या फिर अगर आपकी कोई और हेल्थ इशू हो तो इस बारे में आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि पल्स रीडिंग के ऊपर आज की हमारी ये जानकारी आपको रिलायबल, ऑथेंटिक और ट्रस्टेबल लगी होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और फिर बेल के निशान पर प्रेस करने के बाद ऑल का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके से ज्ञानवर्धक और हेल्थ से रिलेटेड मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके।